और खबरों में बढ़ेंगे आगे, शराब नीति घोटाले में अब जांच के तार सीएम केजरीवाल के एक और मंत्री तक पहुंच रहे हैं। ईडी ने शनिवार को मंत्री से पूछताछ भी की और बयान दर्ज किया। शराब घोटाले की फांस धीरे धीरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। एक के बाद एक दिल्ली सरकार के कई मंत्री ईडी के शिकंजे में हैं, तो केजरीवाल के बाद अब उनके सबसे खास और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत की बारी आ गई है। ईडी ने कैलाश गहलोत से लगभग 5 घंटे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। जितने भी एक्साइज के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने पूछे, जिनका मैंने पूरी जो भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। आखिर ईडी ने कैलाश गहलोत को क्यों बुलाया, ये भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक गहलोत से नीति के निर्माण के संबंध में पूछताछ की गई, क्योंकि कैलाश गहलोत 2021-22 के लिए नई शराब नीति को तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे। इसी ग्रुप में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे।